आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे क्वेश्चन है, फॉर्मिक एसिड कैन नॉट बी ऑब्टेंड फ्रॉम हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल एंड कार्बोनेशन ऑफ CH3MgI। तो फॉर्मिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या है? ये सबसे छोटा एसिड है, ओके, स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड इज द फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड यहाँ पे कैसे ऑब्टेंड, मतलब इन चारों में से कौन से रिएजेंट से फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा, तो हम एक एक करके देख लेते हैं। फर्स्ट जो है हाइड्रोलिसिस ऑफ साइनाइड, अगर साइनाइड ग्रुप यानी कि हम HCN, ओके, HCN का अगर हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, HCN मतलब HC CCN, ओके, इसका अगर हाइड्रोलिसिस करेंगे हम तो यहाँ से हमें मिलेगा HC OOH। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस करने से साइनाइड ग्रुप किसमें बदल जाता है, साइनाइड ग्रुप कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो डेफिनेटली HCN से हम हाइड्रोलिसिस के बाद फॉर्मिक एसिड हमें मिल सकता है, ओके। ऑप्शन टू है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड देखेंगे, ओके, अगर हम फॉर्मेल्डिहाइड देखेंगे, फॉर्मेल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, राइट, ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडाइजेबल हाइड्रोजन क्या हो सकता है, ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो ऑक्सीडाइज होके ये ऐसे फॉर्मिक एसिड बना देगा। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन के बाद एल्डिहाइड ग्रुप जो होता है, एल्डिहाइड ग्रुप के ऑक्सीडेशन के बाद हमें एसिड मिलता है, ओके, तो यहाँ से भी हमें फॉर्मिक एसिड मिलेगा। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, अगर हम एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे यानी कि मिथानॉल, फॉर्मिक एसिड में एक ही कार्बन है, तो अगर हम मिथानॉल का ऑक्सीडेशन करेंगे, यहाँ पे हम अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे जैसे कि KMnO4 या फिर K2Cr2O7, तो यहाँ से क्या होगा, मिथानॉल फर्स्ट कन्वर्ट होगा फॉर्मेल्डिहाइड में, बट रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप नहीं होगा, ओके, यहाँ पे कन्वर्ट होगा और फर्दर फॉर्मेल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन होके फॉर्मिक एसिड हो जाएगा, ओके, तो मिथानॉल से भी हम आफ्टर ऑक्सीडेशन फॉर्मिक एसिड बना सकते हैं। अगर हम कार्बोनेशन करेंगे CH3MgI के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कार्बोनेशन का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होना, ओके, कार्बोनेशन का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अगर CH3MgI, ओके, इसका अगर रिएक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 एज अ मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा। Mg जो होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन होता है और कार्बन उसके रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, सो दैट्स वाई CH3 कैन एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल हियर। तो CH3- जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा CH3C OOH, यहाँ पे O एंड MgI, ओके, ऐसे MgI मिल जाएंगे यहाँ पे। तो इसके बाद क्या होगा, अगर हम इसका एक्वस वर्कअप करेंगे या फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ये जो OMg जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा CH3COOH यानी कि एसिटिक एसिड। यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है एसिटिक एसिड। तो कार्बोनेशन या फिर ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हम कभी भी एक कार्बन है ऐसे कंपाउंड को नहीं बना सकते, ओके, ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से हमें क्या करना पड़ेगा, जो स्मॉलेस्ट ग्रिग्नर्ड रिएजेंट है दैट इज CH3MgI, और जो कार्बोनेशन यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे भी एक कार्बन तो है ही कार्बन डाइऑक्साइड में, तो यहाँ पे मिनिमम मतलब दो कार्बन का जो एसिड है वो बनेगा, तो मिनिमम हम मतलब सबसे छोटा एसिड ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से एसिडिक एसिड बना सकते हैं, ना कि फॉर्मेल्डिहाइड, ओके, फॉर्मेल्डिहाइड को हम ग्रिग्नर्ड रिएजेंट से नहीं बना सकते, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। अगर हम देखेंगे यहाँ पे हमें पूछा गया था कौन सी रिएजेंट से हमें फॉर्मिक एसिड नहीं मिलेगा, सो कार्बोनेशन ऑन CH3MgI ये हमें फॉर्मिक एसिड नहीं एसिडिक एसिड देगा, ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।